कैसे हैं आप सभी लोग। बायोब्लास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और गर्मी का आनंद तो ले ही रहे होंगे आप लोग। एग्जाम खत्म हो गया है 5 मई का, और अभी तक आप लोग गर्मी का आनंद ले रहे हैं या तो नीट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हाँ, अभी रिजल्ट का वेट करते करते आप लोग जो है रील्स इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स, फेसबुक पे जो भी वीडियो चल रही है, यहाँ वहाँ अपना टाइम जो है गंवा रहे हैं। कोई बात नहीं, बिताइए टाइम। कहते हैं ना कि आपने समय को समय नहीं दिया तो समय आपको जो है ना ऐसा समय देगा कि फिर आप यही सोचेंगे काश। तो गर्मी और बाकी चीज़ें अपना काम कर रही हैं और बाकी लोग भी अपना काम कर रहे हैं, बस आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग गर्मी की वजह से डर के सोच रहे हैं, अरे यार बहुत गर्मी है, कैसे पढ़ाई करें, घर में तो एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, फलाना ढमाका। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कंपैरिजन नहीं करेंगे आपका दूसरे से कि भाई जिसके पास है नहीं है, नहीं है तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन लेकिन आप अपने बाहर आसपास देखिए, हो सकता है किसी का मकान बन रहा हो नया। ठीक है, मेरे यहाँ तो बन रहा है, मतलब तो हम देख रहे हैं कई ठो दो चार मकान बन रहे हैं। और दोपहर में ऑब्वियस सी बात है, एकदम इस तपते धूप में वहाँ पे वो लिंटरिंग कर रहे हैं और उसके बाद वो हटा रहे हैं ऊपर, जब लिंटर का ख़त्म होने के बाद जो भी है। मीनिंग समझ रहे हैं? मीनिंग ये है कि उनको अपना काम टाइम पे ख़त्म करना है। हालांकि आप तबीयत का ध्यान रखिए, क्योंकि हीट वेव का भी थोड़ा सा डर है। अगर बाहर बहुत ज़्यादा आप इधर उधर करेंगे तो बाहर आपको करना कहाँ है भाई, पढ़ो। गर्मी लग रही कोई बात नहीं, अब ऐसे तो हर सीजन में कुछ ना कुछ होगा। गर्मी है तो गर्मी में, ठंडी है तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, बरसात है तो ये है वो है, चल रहा है बस कहानी। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ने का मन हो तो पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन हो तो मत पढ़िए भाई, आपकी इच्छा। सभी लोग इच्छाधारी लोग हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में बायोडाइवर्सिटी, इसमें 2 लेक्चर हमने कवर किया है। ओके, 2 या 3 लेक्चर हो गया है आई थिंक। आज हम पढ़ने वाले हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मीनिंग इसका क्या है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी का? पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब यह है, थ्रू आउट द अर्थ, थ्रू आउट द अर्थ जो हमारा बायोस्फीयर है एक्चुअली, या हम अर्थ के जो लिथोस्फीयर है उसको कंसिडर कर रहे हैं सपोज। ठीक है, ये अर्थ है और ये इमेजिनरी लाइन है जिसको हम 0 डिग्री या इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, सो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, अर्थ को आप डिवाइड करते हैं, ऐसे ऐसे देखे होंगे, ऐसे लाइनें खींची रहती हैं ग्लोब पे, ना ऐसे रहता है ना भाई, ग्लोब पे लाइंस रहती हैं ऐसे। हाँ, और उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे लाइंस रहती है ऐसे, नहीं ऐसे, तो पूरा ग्लोब रेडी हो जाता है। ये क्या है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। ये अपना नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया नहीं है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर है? नहीं क्लियर है? ये जो खड़ी लाइन है इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और जो ये बड़ी बड़ी लाइन है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, जियोग्राफी थोड़ा पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, पढ़े तो होंगे ही ना, ऑब्वियस सी बात है, 6वीं क्लास में ये देखे हैं मैं, बड़ा बढ़िया बढ़िया दिया हुआ है फिगर जियोग्राफी की बुक में। हाँ मैं देखा हूँ। यहाँ पे हम ये एनालाइज करने वाले हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि क्या बायोडाइवर्सिटी जो है रैंडमली कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है, या उसका कोई पैटर्न है। मान लीजिए हमने बोल दिया कि भाई इस रीजन में बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये इक्वेटर है तो ये क्या है, ट्रॉपिक्स है। ठीक है, ये हमने लाल लाइन जो खींची, ये दोनों, ये पूरा एरिया क्या है, ट्रॉपिक्स है। और फिर उसके बाद ये पोलर एरिया पे डाइवर्सिटी बहुत कम है। ठीक है, पर्टिकुलर डाइवर्सिटी, तो ये एक तो पैटर्न हो गया कि मतलब इधर एकदम कम है उधर एकदम ज़्यादा है। एक हो गया कि भाई यहाँ पे कम है, इसी रीजन में यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ फिर बहुत ज़्यादा हो गई, रैंडमनेस। तो क्या कोई पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी में, या ऐसे रैंडमली फैला हुआ है अर्थ पे, अर्थ के सरफेस पे,
इसी को यहाँ पे देखना है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं पे भी अगर जो रिच डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, रिच डाइवर्सिटी बेसिकली जो एंजियोस्पर्मिक डाइवर्सिटी या अदर प्लांट फ्लोरा एंड फाउना की डाइवर्सिटी है बेसिकली, तो रिच डाइवर्सिटी के लिए आपको देखिए रेनफॉल चाहिए, प्लांट है अगर चीज़ें हैं ना, तो प्रेसिपिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रेनफॉल और ऑप्टिमम टेम्परेचर। किसी भी प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। सो इसकी वजह से जो है ना प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होता है, और जहाँ पे प्लांट की डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे प्लांट्स की डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, किंगडम प्लांटी में जो भी आते हैं ज़्यादा है, तो उसी रीजन में आपको एनिमल्स की भी डाइवर्सिटी जो है ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, ठीक है, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ओके। सो जब हम ऑब्जर्व करते हैं अर्थ के ग्लोब को, अर्थ के ग्लोब को हम जब ऑब्जर्व करते हैं ना, तो इस रीजन को अगर हम देखें, ठीक है, कोई बात नहीं, एक सेकेंड, इस रीजन को हम जब देखते हैं, यहाँ से हम जब ऊपर की बात करते हैं, यहाँ से आप ऐसे जैसे जैसे जाते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो डाइवर्सिटी जो है सबसे मैक्सिमम डाइवर्सिटी आपको इक्वेटर रीजन में मिलती है, इस रीजन पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, इन जनरल। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं या जैसे साउथ पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ, तो डाइवर्सिटी जो होती है वो क्या होती है, वो डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज करती है। रीजन क्या है भाई? आप इधर जाएंगे, पोलर रीजन है ये, क्या है, ये पोल है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इधर आपको आइस कैप्स दिखेंगे, आइस कैप में ना तो सॉयल दिख रहा है, और यहाँ पे टेम्परेचर है ना, तो यहाँ सॉयल भी फैक्टर ऐड कर लीजिए, ठीक है, ना सॉयल दिख रहा है। हाँ, पूरे टाइम ऑलमोस्ट 9 to 10 months जो है आइस कैप ढका रहता है, केवल 2-3 months के लिए ऐसा सिचुएशन होता है, 2-3 months के लिए, ठीक है, कि जो थॉइंग होती है, किसकी, आइस की थॉइंग होती है, आइस थॉइंग। इसी टाइम पे कुछ कुछ मतलब प्लांट्स यहाँ पे दिखते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स दिखते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे प्लांट दिखेंगे, तो क्या होती हैं वो, श्रब्स होते हैं, ठीक है, हर्बेसियस प्लांट होंगे, श्रब्स होंगे छोटे छोटे, मे बी कहीं कहीं, लेकिन एकदम पोल पे जब पहुँच जाएंगे ना, तो वहाँ मोस्टली एकदम पोल का मतलब एकदम इधर पहुँच जाएंगे साउथ पोल पे, और या स्पेशली नॉर्थ पोल की बात करते हैं, तो यहाँ पे ना हमको डाइवर्सिटी में क्या दिखता है, लाइकेंस मैक्सिमम दिखते हैं, ठीक है, लाइकेंस दिखते हैं, और ऐसे ही कुछ कुछ, और वो भी 2-3 महीने के लिए, ठीक है, समझ रहे ना। और इधर साइड में ही देखेंगे आप, तो आपको दिखेगा पोलर बेयर दिखेंगे, अगर वैसे एनिमल की बात करते हैं, नहीं तो रेंडियर दिखता है, ठीक है, रेंडियर, और इसको फीड करने के लिए लाइकेंस है, और यहाँ मॉसेस होते हैं, ठीक है, तो रेंडियर मॉस एक स्पीसीज है यहाँ पे, ठीक है, इन्हीं के ऊपर रेंडियर जो है फीड करता है, खाता है। सो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं, हमारी डाइवर्सिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। मीनिंग समझ में आया? ये देखिए फिर से समझ लेते हैं, इधर से जब इधर की तरफ बढ़ेंगे या इधर की तरफ, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो डाइवर्सिटी क्या होती, जैसे ऊपर जाते जाएंगे डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, जैसे इधर साउथ पोल के आएंगे डाइवर्सिटी जो है डिक्रीज करेगी, और जब अप रहते हैं, ठीक है, अब मतलब इधर से अगर हम इधर की तरफ पैटर्न देख लें, इधर से इधर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी इंक्रीजिंग होगा। कहने का मतलब है पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो डाइवर्सिटी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और इसी का रिवर्स इधर कर देंगे तो डाइवर्सिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। बस यही कॉन्सेप्ट है, रीज़न हमने आपको बता दिया, यहाँ पे यहीं लिखा होगा, कुछ कुछ और यहाँ पे दिया होगा कि भाई कहाँ पे क्या डाइवर्सिटी है, उसको देख लेते हैं नाम, क्योंकि NCERT में जो नाम मेंशन है भाई आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए, सो द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। सही बात है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है,
यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है कि नहीं? ये पैटर्न, एक पैटर्न मैंने बताया कि यहाँ ज़्यादा है इधर कम है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल एंड आर प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न। सी, बहुत सारे एनिमल एंड प्लांट ग्रुप्स के लिए बहुत ज़बरदस्त पैटर्न है कि अच्छा ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे नहीं है। मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी, इसीलिए यहाँ पे हेडिंग ही दिया है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। क्या लिखा है, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज, ये क्या हमने बनाया, जैसे ही हम कहाँ करते हैं, कहाँ, इक्वेटर, क्या है, फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ, ये वाला लाइन देखिए उल्टा इधर, तो डाइवर्सिटी क्या है, डिक्रीज कर रहा है ना, वहीं बोला है ये डाइवर्सिटी डिक्रीजेज विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन, मतलब कहीं कहीं ऐसा होगा, क्योंकि वो ऐसा एरिया होता है कि वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे डाइवर्सिटी जो है बढ़ जाती है। जैसे ट्रॉपिक्स हैं, लैटिट्यूडल रेंज इनका क्या होता है, 23.5 डिग्री, ठीक है, ट्रॉपिक्स जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ठीक है, दोनों 23.5 डिग्री पे होते हैं, ठीक है, 23.5। अरे बाबा, 23.5, एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, 23.5, ठीक है, ओके। हार्बर मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट और पोलर एरियाज, क्लियर है, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन, मतलब इन जनरल जो ट्रॉपिक्स होते हैं, मतलब ये वाला जो रीजन है और ये वाला, स्पेशली हम पूरे रीजन को ही ले लेते हैं, इक्वेटर के इधर इधर और इधर 23.5 डिग्री तक, ये बोल रहा है कि मतलब ये इन जनरल, ठीक है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होल्ड करते हैं स्पीसीज की डाइवर्सिटी, और सबसे कम जो होता है वो कहाँ होता है आपको, पोलर एरियाज और टेम्परेट रीजन में होता है। टेम्परेट का मतलब ठंडा, जैसे यूके वगैरह है, कनाडा वगैरह है, और पोल पे जाएंगे तो एकदम पोल पे, जहाँ पे कंटिन्यूसली आपको 12 महीने पूरे साल भर लगभग जो है आइस कैप देखने को मिलता है। अरे क्लाइमेट चेंज की वजह से वहीं तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्लियर है। लेकिन इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब बीच में कोई कोई कंट्री में ऐसा है कि वहाँ पे जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो अचानक से ज़्यादा देखने को मिली है। जैसे कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, वाइल न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री हैज़ 105 स्पीसीज, एंड ग्रीनलैंड हैड एट 71 डिग्री नॉर्थ हैज ओनली 56 स्पीसीज। तो कहने का मतलब है कि कोलंबिया एकदम नियर बाई है, कहाँ पे, इधर साइड में इक्वेटर पे, ठीक है, साउथ अमेरिका, कोलंबिया इधर, समझ रहे हैं कि नहीं, कोलंबिया कहाँ है भाई, हाँ इक्वेटर के पास है, कोलंबिया किधर है, कुछ पता होता रहता है कि नहीं आप लोगों को, खाली मतलब एकदम में से वैसे डम्ब टाइप से बिहेव करते हैं। कोलंबिया साउथ अमेरिका में भाई इधर, ठीक है, कंट्री है साउथ अमेरिका की, कोई बात नहीं, तो ये आपको इधर साइड में है इक्वेटोरियल रेंज में, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो न्यूयॉर्क मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में, आपको पता है, तो ये हो गया 41 डिग्री पे, ठीक है, ये हो गया 41 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसमें स्पीसी देखिए, यहाँ 1400 है, यहाँ 105, और जब ग्रीनलैंड में पहुँचते हैं तो यहाँ क्या है, केवल 56 स्पीसीज हैं, ठीक है, समझ रहे कि नहीं, बर्ड्स की। इंडिया, इंडिया की बात कर रहा है, विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, नॉर्मली हमारा आधा एरिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उसमें आता है, मतलब इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ये वाला एरिया है ना, ऐसे जो एरिया रहता है, तो ये वाला एरिया जो है ये आधा आधा भारत, इसके वाला इधर वाला जो एरिया है, ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है ये ट्रॉपिक्स में आता है, तो ये तो ट्रॉपिकल हो गया, और इधर वाला जो आता है ऊपर थोड़ा वो सब ट्रॉपिकल होता है, तो यहाँ पर भी डाइवर्सिटी ठीक ठाक देखने को मिलती है, हालांकि माउंटेन की डाइवर्सिटी अलग तरीके से वेरी करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, बताइए, अल्टीट्यूडनल, अल्टीट्यूडनल का मतलब जो हाइट की वजह से होता है, ठीक है, ये इसको हाइट कंसिडर मत करिएगा, ये लैटिट्यूड्स हैं। सो हैज़ मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, तो इंडिया में 1200 से ज़्यादा है,
अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेटर हैज अप टू 10 times एज मेनी स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट, वैस्कुलर प्लांट्स, वैस्कुलर का प्लांट का मतलब जिसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे टेरिडोफाइट के आगे जितने भी प्लांट हैं वैस्कुलर प्लांट्स हैं, टेरिडोफाइट्स से ही जाइलम फ्लोएम और जो स्टीलर सिस्टम है उसकी ओरिजिन हुई थी, तो हम वहाँ से कंसिडर करते हैं। तो ये बोल रहा है कि अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन, कहने का मतलब ये बोल रहा है ये वाला रीजन जो है ट्रॉपिकल रीजन, इसमें कोई फॉरेस्ट है ठीक है, सो वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, अच्छा इक्वाडोर बोल रहा है, इक्वाडोर इधर साइड में है, ठीक है, पैसिफिक ओशन में आपको दिखेगा इक्वाडोर, अरे इधर साइड में है इक्वाडोर, साउथ अमेरिका का उसी का क्या है आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड पैसिफिक ओशन में, जहाँ पर भी जहाँ पर डार्विन फिंचेस देखने को मिले थे, ठीक है। तो इक्वाडोर कंट्री भी साउथ अमेरिका की है, हैज अप टू, ठीक है, हैज अप टू 10 times एज मेनी स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एज अ फॉरेस्ट इक्वल एरिया इन टेम्परेट रीजन लाइक द मिड वेस्ट ऑफ द USA, ठीक है। ये नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है, अगर बाई चांस कंपेरिजन के एस्पेक्ट में ऐसे रैंडमली पूछ लिया तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन बहुत अगर स्टार्क कोई ऐसी चीज़ दी हुई है तो वहाँ पे क्वेश्चन उठा सकता है सिंपली, ठीक है। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन फॉरेस्ट, या अमेजन फॉरेस्ट की बात कर रहा है ना, तो ये पूरा कौन सा है, साउथ अमेरिका वाला फॉरेस्ट है, ठीक है। अमेजन रिवर फ्लो करती है वहाँ पे, अमेजन रेन फॉरेस्ट है सबसे ज़्यादा, इसको लंग्स, प्लैनेट का लंग्स बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी लगभग 50% जो है ना, लगभग इसका जो फॉरेस्ट है वो हमने डिफॉरेस्ट कर दिया है। इन साउथ अमेरिका हैज अ ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ एंड इट इज होम टू मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड 30,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस, 1,300 बर्ड्स एंड 427 मैमल, 427 एम्फीबियंस। अभी इतना है ना, तो आपको बस इसमें कुछ कुछ ध्यान रखना है कि सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे लोवेस्ट कौन है, नंबर सबका नहीं ध्यान रखना है, ठीक है, नंबर सबका नहीं ध्यान रखना है, क्लियर है कि नहीं। अब ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, और उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो खुद से ढूंढिएगा, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर से मैं बताऊंगा। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स, क्या स्पेशलिटी है, हमने बता दिया, दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्या है ऐसा, ठीक है, क्या है ऐसा। सो यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया है, लेकिन हमने कुछ बता दिया है, एक दो एस्पेक्ट मैंने बता दिया है, एक एस्पेक्ट बचा है, यहाँ पे दिया है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है ना, ट्रॉपिकल रीजन ये वाला रीजन, ठीक है, ये इक्वेटर है 0 degree और ये 23.5 और ये भी 23.5, 23.5 ये है, ठीक है, ये है ट्रॉपिक्स, इक्वेटर के इधर वाला और इक्वेटर के इधर वाला, ठीक है, ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिकल रीजन में, और यहाँ पे पोल है और यहाँ पे भी पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, और इधर वाला एरिया जो है टेम्परेट है, नीचे भी टेम्परेट है। तो बोल रहा है कि ट्रॉपिक्स पे ऐसा क्या है जो कि इतना ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो जो अभी तक ग्लेशियल इवेंट्स हुए हैं धरती पे, होते रहते हैं ना मिलियंस ऑफ ईयर्स में, बिलियंस ऑफ ईयर्स में, तो ग्लेशियल इवेंट्स जो होता है ना पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिए भाई, पूरा का पूरा स्पीसीज था, ग्लेशियल इवेंट हुआ, गायब हो गया, फिर से वहाँ पे डेवलप होगा। तो ये रीजन जो है आपका टेम्परेट और पोलर रीजन जो है, इधर वाला रीजन ग्लेशियल इवेंट से जो है ना डिस्टर्ब हुआ। ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिक्स जो है ना, ये मोर और लेस ये कॉन्स्टेंट बना रहा, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसको सफिशियंट टाइम मिला चीज़ों को, मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी और स्पीसीज में, जो नई स्पीसीज, न्यू स्पीसीज डेवलप होने में, और जो इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट में चीज़ों को ग्रो होने में, ठीक है। सो कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूस जो इन्वायरमेंट मिला, उसकी वजह से यहाँ डाइवर्सिटी जो है ना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ साथ ये है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर, मॉइस्चर, प्रेसिपिटेशन, ये जो है प्रॉपरली आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कहीं गलत तो नहीं बता दिया हमने। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है प्रपोज्ड वेरियस हाइपोथेसिस, सम इम्पॉर्टेंट वंस आर स्पेसिएशन, स्पेसिएशन का मतलब नई स्पीसीज का फॉर्मेशन, इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, हमने तो आपको ये बता दिया कि भाई
यहाँ पे कंटिन्यूअस एक टाइप से इन्वायरमेंट मेंटेन रहा काफी लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम मिला तो इसमें इवोल्यूशनरी जो एस्पेक्ट है, इवोल्यूशनरी प्रेशर जो लग रहा था ना, उसके लिए पर्टिकुलर टाइम जो ड्यूरेशन था वो मिला। तो इसमें क्या हुआ, स्पेसिएशन हुआ। स्पेसिएशन का मतलब बताए नई स्पीसीज बनी, ठीक है। अनलाइक द टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रिक्वेंट ग्लेसिएशन इवेंट इन द पास्ट, ये मैंने समझा दिया था। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेंड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब, ठीक। सी ये ऑब्वियस सी बात है, ग्लेशियल इवेंट हुए तो ये एरिया क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। कौन सा एरिया, ये टेम्परेट वाला एरिया है, ठीक है। दिस इज टेम्परेट मतलब ठंडा प्रदेश जो है ऊपर वाला, और ट्रॉपिकल एरिया जो है अनडिस्टर्ब रहा, मतलब यहाँ पे डिस्टर्बेंस थोड़ी कम हुई, ठीक है। कंटिन्यूअसली ये लॉन्ग टाइम तक एक टाइप से टेम्परेचर जो है मेंटेन रहा। क्लियर है कि नहीं, यही रीजन है मेन, ठीक है। अब तो इवोल्यूशनरी टाइम में और स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए टाइम मिला। बी एस्पेक्ट क्या है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल। लेस सीजनल का मतलब क्या है, वेरिएशन यहाँ पे कम देखने को मिलता है, ठीक है। सीजनल वेरिएशन कंपेरेटिवली कम मिलता है। आप अफ्रीकन कंट्री में चले जाइए, आपको क्या वहाँ पे बहुत ठंडी बहुत गर्मी, ऐसा मतलब है क्या, वेरिएशन कम मिलता है सीजनल मोर ऑर लेस। जैसे ओशन के पास वाला जो एरिया होता है, देखेंगे किनारे वाला एरिया, वहाँ पे सीजनल वेरिएशन कम देखने को मिलता है। क्लियर है कि नहीं, सो सीजनल वेरिएशन कम मिला तो जो इन्वायरमेंट था वो रिलेटिवली कांस्टेंट रहा और प्रेडिक्टेबल रहा। इसकी वजह से भी जो स्पीसीज का डाइवर्सिफिकेशन और बेहतर हो गया, स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन और क्या हो गया, बेहतर हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और इसी ने क्या किया, इसी ने प्रमोट किया क्या, स्पेशलाइजेशन। सी इन्वायरमेंट प्रमोट्स निश स्पेशलाइजेशन। निश स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, निश का मतलब क्या होता है, निश का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पता है कि नहीं। ये एक्चुअली में निश एरिया जो होता हैबिटेट, ये मान लीजिए हैबिटेट है, तो इसमें ए स्पीसीज भी रह रही है, बी भी है, ठीक है, इसमें सी भी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका मूवमेंट इतना दूर हो रहा है, मतलब इसमें ये अपना मेन फंक्शन यहीं परफॉर्म करता है, इस स्पीसीज का मेन फंक्शन यहाँ परफॉर्म हो रहा है, इस स्पीसीज का मेन फंक्शन अपना इधर कर रहा है, ऐसे ही अदर स्पीसीज अगर इस हैबिटेट में कोई है तो सबका अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का मतलब जो स्पेशली हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव फंक्शन एंड उसके अलावा जो बच्चों को पालने पोसने का जो फंक्शन होता है इनका, मेनली जब एकदम से बहुत छोटे रहते हैं, एक लेइंग फंक्शन है सपोज, ठीक है, बर्ड्स है तो। ये वाला फंक्शन जिस एरिया में हो रहा है उसको निस बोलते हैं, मतलब ये एक्चुअली में ऑफिस का एड्रेस होता है कहते हैं, ये ऑफिस है एक्चुअली में, जहाँ पे वर्किंग वर्किंग हो रही है, ठीक है, जहाँ पे हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, मेन काम यही है ना भाई। घर में तो जाके काम कौन कर रहा है, ऑफिस वाला पर्सन घर में जाके काम करता है लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, बॉयज की बात कर रहे हैं। बॉयज तो जाके ऐसे फैल जाते हैं, पहुंचे शाम को तो फैल के कहेंगे चाय लाओ भाई, है? और पेट निकाल के एकदम लाद ऐसे निकले रहेगी कि उस पे कप जो है रख के चाय पीते हैं, ठीक है। ओके, सच कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट्स निश स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। तीसरा रीजन क्या है, देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स, ठीक है। हमने कल भी बताया, फिर से बता रहे हैं कि जो ट्रॉपिक्स होता है ना, ठीक है, ट्रॉपिक्स में 2 बार सन जो है ओवरहेड होता है, मतलब सन का मूवमेंट इसी में रहता है, सन इसी में मूव करता है, इधर से इधर जाएगा, इधर से फिर इधर आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, ठीक है, इसी में मूवमेंट होता है। तो जो टेम्परेट रीजन होता है यहाँ रेज हमेशा ऐसे तिरछी पड़ती हैं, ठीक है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में ना रेज हमेशा जो सन रेज होती है ये ओवरहेड भी पड़ती है 2 बार, एक बार इधर जाते समय, एक बार आते समय, हर प्लेस पे, हर प्लेस पे। तो इधर टेम्परेचर जो होता है ना अच्छा खासा हाई रहता है, टेम्परेचर जो होता है हाई रहता है, और हाई टेम्परेचर जो होता है कंट्रीब्यूट करता है किसको, हायर प्रोडक्टिविटी को। हायर प्रोडक्टिविटी है तो इसका मतलब क्या है, बायोमास ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, ओवरऑल आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट टू इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। क्लियर हुआ कि नहीं, इतना चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं कि पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। इसमें एक चीज़ और बता देते हैं आपको, यहाँ पे मेंशन नहीं किया,
ठीक है। और निश का कॉन्सेप्ट यहीं आएगा, आएगा तो समझा देंगे ना। निश के कॉन्सेप्ट में एक्चुअली में दो मेन है, ठीक है, दो मेन कॉन्सेप्ट है। निश जो मैंने बताया, तो एक इसका होता है फंडामेंटल निश, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक होता है फंडामेंटल निश, ठीक है, और एक होता है रियलाइज्ड निश। ठीक है, फंडामेंटल, दूसरा रियलाइज्ड निश, दोनों निश ही हैं। ठीक है, फंडामेंटल निश जो होते हैं ये ओवरलैप कर सकते हैं, मतलब अगर एक स्पीसीज ये है, ये इसका बी है, और ये एक हैबिटेट में रह रहे हैं, इसका मान लीजिए फंडामेंटल निश ये है, ठीक है, और इस स्पीसीज का फंडामेंटल निश ये है, तो ये देखिए ओवरलैपिंग हो रही ना। हाँ, तो फंडामेंटल निश ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन इनका जो रियलाइज निश होगा ये कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा, ये पर्टिकुलर स्पीसीज का जो होता है ना स्पेशल होता है, स्पेशलाइज्ड एस्पेक्ट होता है। ठीक है, सो निश के बारे में हम अलग से क्लास ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ दिया नहीं है तो जानने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी फालतू की चीज़ हो जाएगी। हम क्या बता रहे थे, एक पैटर्न और बता रहे थे हम आपको, बस ऐसे ही बता देते हैं, थोड़ा जानते रहिए। आप घूमने गए हैं कभी पहाड़ों पे? कहीं पे भी पहाड़ों पे, थोड़ा हाई एल्टीट्यूड एरिया पे, ठीक है, जहाँ पे सी लेवल से थोड़ा सा 1,000 2,000 मीटर, 3,000 मीटर 4,000 मीटर आप मीन सी लेवल से ऊपर गए हो। सो अगर आप माउंटेन रीजन में जाएंगे, कहीं पे भी, अगर जो गया होगा उसको पता होगा, जैसे मान लीजिए कि आप कहाँ गए हैं, उत्तराखंड गए हैं, यूके उत्तराखंड है, ठीक है, या हिमाचल ही गए हैं सपोज, हिमाचल प्रदेश, तो आप यहाँ पे जब जाएंगे उत्तराखंड में भी, तो देहरादून के बाद जब ऐसे पहुँचेंगे ना देहरादून एरिया में, या जो भी आपका एरिया है हरिद्वार से और देहरादून, तो ये क्या है, प्लेन एरिया है। देहरादून नाम एक्चुअली में देहरादून वैली के बेसिस पे पड़ा हुआ है, ये एक वैली में बसा शहर है, वैली मतलब घाटी, बहुत चौड़ी सी घाटी ऐसी हो गई है, तो जब आप पहाड़ से देखेंगे तब आपको दिखेगा, ठीक है। सो देहरादून से जब आप मसूरी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, मसूरी की तरफ जब बढ़ते हैं ना, मसूरी हिल स्टेशन है, सो आप नीचे से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं हिमालय पे, ठीक है, आपको ना स्पीसीज की डाइवर्सिटी जो है वैसे वैसे रिड्यूस होती जाती है। मतलब कहने का ये, कहीं पे भी इन जनरल जब अल्टीट्यूड चेंज होता है, अल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है, हम प्लांट की हाइट या किसी चीज़ की हाइट मेजर करने के लिए भी अल्टीमीटर का यूज करते हैं, ठीक है, अल्टीमीटर, सो अल्टी का मतलब हाइट। तो अल्टीट्यूडनल वेरिएशन कैसे होता है, जब जैसे हम हिमालय की बात करते हैं, सबसे नीचे जो होता है शिवालिक रेंज होता है, ठीक है, और इधर साइड में आएंगे तो हम मतलब हिमालय के सबसे ट्रांस इनर हिमालय पे पहुंचते हैं, ठीक है, इनर हिमालय एकदम लास्ट में, उसके बाद ट्रांस हिमालय आता है सपोज। तो जैसे जैसे इधर से नीचे से हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं सपोज, ठीक है, आप देहरादून से, देहरादून में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, इधर से जैसे ही बढ़ते जाएंगे आपको डाइवर्सिटी धीरे 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 क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, और पहाड़ के ऊपर पहुंचेंगे ना आपको दिखेगा, पहाड़ों पे जो एकदम ऊपर जो है रॉक दिखेगा, केवल रॉकी एरिया। आप कभी अगर माउंटेनियरिंग किए हैं, ठीक है, अगर आप माउंटेनियरिंग किए हैं या आपने कभी ट्रेकिंग की है, ठीक है, तो आप जब ट्रेकिंग एकदम ऐसे पीक पे जाते हैं ना, तो पीक पे देखेंगे एकदम रॉक दिखेगा केवल आपको, वहाँ कोई डाइवर्सिटी नहीं रहती, डाइवर्सिटी सब नीचे रह जाती है। तो जब आप ऊपर बढ़ते हैं माउंटेन में, ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं ना, तो डाइवर्सिटी हमेशा रिड्यूस होती है, ठीक है, डाइवर्सिटी हमेशा रिड्यूस होती है, और ऊपर जाएंगे तो ठंडा भी लगता है, तो माउंटेन में ऐसे है, तो नीचे से जब ऊपर जाते हैं ना ऐसे, तो डाइवर्सिटी जो होती है वो रिड्यूस होती जाती है, स्पीसीज की डाइवर्सिटी, क्लियर है। और एक एरिया ऐसा आता है कि इसके बाद आपको डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसको ट्री लाइन बोलते हैं। ट्री लाइन ऐसी लाइन होती है, ये इमेजिनरी लाइन ही है, रियल में इसके बाद हमको प्लांट नहीं दिखता है, तो हमने बोल दिया कि ये ट्री लाइन है, ठीक है। तो ये माउंटेन में देखने को मिलता है, जब ऐसे आप ऊपर चलते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये आपका बेस है। सो एक लाइन, एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ के बाद ना आपको ट्री नहीं दिखेगा, नो ट्री, तो इस लाइन को बोलते हैं ट्री लाइन, ठीक है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होती है वो क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है, क्लियर है कि नहीं। सो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, अच्छा खासा लेंथ हो गया है इधर उधर बताने बोलने में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, और इसके आगे हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या क्या रीजन्स हैं, उसके बाद फिर प्रोटेक्शन, तो मतलब हमको लग रहा है कि दो लेक्चर अभी जाएगा, नहीं,
दो लेक्चर हमको लग रहा है कंप्लीट जाएगा, ज़्यादा भी हो सकता है कम तो नहीं होगा, दो लेक्चर में हो जाना चाहिए, ठीक है। डू नॉट वरी, आसान है लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछता है भाई, क्वेश्चन बहुत पूछता है यहाँ से।